लुबना आ गई तुम? तुम्हें कहाँ भी था जल्दी आना, टाइम देखा है तुमने? अगर महमूद आ जाता तो फिर मुझसे बहस करता वो। अम्मी आपको पता तो है कि कलीम के क्लिनिक पे रश होता है। क्या हुआ लुबना, कोई बात हुई है क्या? कोई बात नहीं हुई, बस वैसे ही थक गई हूँ। अच्छा चलो जाओ, किचन में खाना रखा है, खाना खा लो। भाई मेरा मूड नहीं है। अरे पहले खाना खा लो फिर सो जाना। मैं जाकर सो रही हूँ। हाँ भाई कलीम ने कुछ मंगा के खिला दिया होगा क्लिनिक में। सही। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आप इतना लेट दवाई खा रही हैं? हाँ भाई तुम्हें देर हो गई थी तो मैंने सोचा कि दवा खा के सो जाती हूँ। ये क्या है? ये मैं आइसक्रीम लाया था आपके लिए। फजूल खर्ची जरूर करना। अरे अम्मा जो खा लें वही अपना है। वो लुबना कहाँ है? वो थकी हुई आई है, सो रही है। सो गई है? अरे मैं भी उठाता हूँ, देखना आइसक्रीम देखकर फौरन उठ जाएगी। रहने दे, थकी हुई आई है उसे सोने दे। थकी हुई है? कहाँ गई थी? वो कलीम के पास गई थी दवा लेने के लिए। अम्मी मैंने आपको पहले भी कितनी बार समझाया कि उसे कलीम के क्लिनिक ज्यादा मत जाने दिया करें। क्यों भाई? अरे उसका उससे निकाह हुआ हुआ है और कलीम तुम लोगों का खालाजाद भी तो है। तो फिर खाला से कहें कि रुख्सती ले लें और एक तरफ करें, खामखा बीच में लटका कर रखा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है, कल सुबह ऑफिस जाते हुए मुझे छोड़ देना, वैसे तुम्हारी खाला तैयार है। तो फिर देर किस बात की है, तैयारी तो हमारी भी मुकम्मल है। अरे बेटा वो अभी कलीम की तरफ से थोड़ी देर है। क्यों? वो कहता है मैं थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो जाऊं फिर शादी करूंगा। अम्मी कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे कैसी गड़बड़ होगी, बहुत समझदार है वो, ऐसी डॉक्टर नहीं बन गया वो। अच्छा फिर आप खाला से बात करके देखिएगा। वैसे तो मैं कर ही लूंगी उनसे बात, मुझे तो लगता है तुम्हें अपनी शादी की बड़ी जल्दी है। रहने दे अम्मी, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। अरे वाह अपनी बारी आई तो जल्दी नहीं है, अरे मुझे तो जल्दी है ना तेरी शादी की। अच्छा आप दवाई खा के सो जाएं, मुझे भी नींद आ रही है, ये फ्रिज में रख दीजिएगा। लुबना उठो भाई। लुबना लुबना भाई उठो, चलो उठो भाई। ओफो उठ भी जाओ। लुबना 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 क्या हो गया, क्यों नहीं उठ रही? लुबना लुबना उठ क्यों नहीं रही है? लुबना लुबना अरे उठते क्यों नहीं लुबना? क्या हुआ अम्मी? देख लुबना ही नहीं रही है। लुबना क्या हो गया है पता नहीं इसको। लुबना लुबना उठो लुबना। अम्मी आप यहीं रुके, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कलीम को भी फोन कर, जल्दी मेरे बच्चे जल्दी फोन कर। लुबना लुबना उठ जा बेटा उठ जा। अंकल इमाम साहब ने जहर का टाइम दिया बेटा। महमूद हिम्मत और हौसले से काम लो, अगर तुम मर्द होकर हिम्मत हार जाओगे तो खाला को सहारा कौन देगा? कलीम भाई ये सब कैसे हो गया, रात को तो ठीक ठाक ही सोई थी, ऐसे कोई मरता है क्या? जो अल्लाह को मंजूर, क्या पता रात को सोते टाइम हार्ट अटैक आया हो सर। कलीम भाई
अगर पोस्टमार्टम करा लें तो? देखो, अगर पोस्टमार्टम कराने से लुपना वापस आ सकती तो हम जरूर पोस्टमार्टम कराते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी, कुछ नहीं हो सकता। सबर कर, जो मर्जी अल्लाह की। मैं क्या करूं अम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे सबर क्यों नहीं आता। हर वक्त सपना का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। बेटा मुझे देख, मैं तो माँ हूँ, मैं तो लुपना के साथ ही मर गई होती अगर तू नहीं होता। अब तू भी क्या मुझे मारना चाहता है? अम्मा मुझे ऐसा लगता है कि लुपना मरी नहीं है, किसी ने उसे मार दिया है। क्या कह रहा है बेटा? ऐसा नहीं है बेटा, उस बदनसीब के नसीब में तो सुहाग का जोड़ा ही नहीं था, कफन था, कफन। अम्मा तुमने देखा, उस दिन के बाद से कलीम और खाला भी नहीं आए। बेटा सबके घरों में अपने अपने काम होते हैं, सब मसरूफ होते हैं। नहीं अम्मा, मैं पता जरूर करूंगा कि आखिर लुपना के साथ ऐसा क्या हुआ है, कुछ तो है। चल अच्छा उठ जा, चल कुछ खा ले। आज अच्छा, अगर आपको किसी पर शक था तो आपको रिपोर्ट उसी वक्त करानी चाहिए थी ताकि लाश का पोस्टमार्टम हो जाता। सर ऐसे भी कोई मरता है क्या? वो बिल्कुल ठीक ठाक ही घर आई थी, सिर्फ अम्मी से थकन की शिकायत करके सो गई थी। कहाँ से आई थी? सर मेरे कज़न डॉक्टर कलीम के क्लिनिक से, जिनके साथ लुपना का निकाह हो चुका था। तो क्या आपका शक अपने बहनवी के ऊपर है? नहीं सर, लेकिन सर उनके क्लिनिक में डॉक्टर जाहिदा हैं, मुझे उन पर शक है सर। टीपीएक पुलिस स्टेशन पर महमूद नामी नौजवान ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन अपने होने वाले शौहर के क्लिनिक पर दवाई लेने गई थी, वापसी आकर तबीयत खराबी का कहकर सोने चली गई। जब सुबह हुई तो वो मुर्दा पाई गई। मुद्दे के मुताबिक डॉक्टर कलीम के साथ लुपना का निकाह हो चुका था, रुख्सती बाकी थी कि यह हादसा पेश आ गया। मुद्दे ने अपनी दरख्वास्त में डॉक्टर कलीम की पार्टनर डॉक्टर जाहिदा पर शक का इजहार करते हुए मकतूला की कब्र कुशाई की दरख्वास्त भी की थी। वो के मकतूला की मौत को 8 दिन गुजर चुके थे, लेकिन फिर भी मुदई की दरख्वास्त मौसूल होने के बाद पुलिस ने एक तरफ तो आला हुकाम से कब्र कुशाई के लिए राबता किया तो दूसरी तरफ तफ्तीश का आगाज कर दिया। फरमाइए क्या बात है? लुपना की मौत तो आपको याद होगी। डॉक्टर साहब लुपना की मौत भी कोई भूलने वाली मौत है। मैं आप लोग के यहाँ आने का मकसद नहीं समझी। हमारे इल्म में कुछ बातें आई हैं जिसकी आपसे वजाहत चाहते हैं। ये 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से कहो इंस्पेक्टर साहब आए। जी मैं आपको कोई दवाइयां लिखकर दे रहा हूँ, ये आप सुबह शाम खाइए। सर वो इंस्पेक्टर साहब आए। इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? आपसे और मैडम से मिलना चाह रहे हैं। अच्छा आप उन्हें बराबर रूम में बिठाइए, मैं मैडम को लेकर आता हूँ। आप बैठिए, मैं 10 मिनट में आया। जी क्या नाम है आप? फरहाना। सुनो वो इंस्पेक्टर साहब आए हमसे मिलने के लिए। क्यों? पता नहीं, चल के पूछते हैं। चलें। अच्छा आप बैठें, मैं भी आती हूँ। आप क्या करते हैं यहाँ? जी मैं यहाँ पे कंपाउंडर हूँ। कितने अरसे से? साल भर हो गए। अच्छा वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर साहब आपका कीमती वक्त लेने के लिए माजरत खाऊं, लेकिन क्या करूं, मसला ही कुछ ऐसा था जो आना पड़ा। कोई मसला नहीं सर, तो आइए, क्या बात है? रुबना की मौत तो आपको याद होगी। डॉक्टर साहब, रुबना की मौत भी कोई भूलने वाली मौत है, लेकिन मैं कोई समझा नहीं। वो तो शायद हार्ट अटैक का केस था। खैर, आप पूछना क्या चाहते हैं? असल में लुबना के भाई महमूद ने हमारे पास इंक्वायरी की एप्लीकेशन दी है। मेरे खिलाफ? जी नहीं, बल्कि मौत की वजह जानना चाहते हैं और कुछ खदशात का भी इजहार किया है। हैरत है, अगर उन्हें कुछ खदशात है तो वो पहले ही बता देते, मैं उस वक्त कुछ कर लेता, लेकिन अब अचानक से ये सब कुछ, मैं कुछ समझा नहीं। लुबना डॉक्टर साहब की कानूनी बीवी थी, इनसे ज्यादा सदमा और किसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, आप क्या चाहते हैं? उनकी तसल्ली के लिए कुछ कानूनी कार्रवाई, चंद सवालों के जवाब और बयान, बस। ठीक है। आप कहाँ रहते हैं? सर, इसी कॉलोनी में रहते हैं। डॉक्टर साहब, फैयाज को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, कुछ मालूमात लेके इनको वापस छोड़ दो। आप यहीं ले लीजिए बयान। मैं आप लोगों का काम डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, इसलिए मैं इनको अपने साथ ले जा रहा हूँ, कुछ सवालात करके इनको छोड़ दूँगा। ठीक है सर, आप ले जा सकते हैं। थैंक यू। फैयाज साहब, आप काफ़ी अच्छे आदमी लग रहे हैं, घबराएं नहीं, ये लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए। और उम्मीद है कि जो मैं पूछूंगा आप सच बताएंगे। सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? डॉक्टर साहब कैसे आदमी हैं? सर, बहुत अच्छे और नेक इंसान है डॉक्टर साहब। और लुबना बीबी को तो आप जानते ही होंगे। जी, बहुत अच्छी तरह से। क्या वो रोज आती थी? जी, हफ्ते में एक दो बार आ जाती थी। और ये डॉक्टर ज़ायदा कब से हैं क्लिनिक में? जी, इनको तो मैं शुरू से ही देखा। इन दोनों के आपस में ताल्लुकात कैसे हैं? बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आपस में, और मेरे ख्याल में पार्टनर भी हैं। भैया साहब, इसके अलावा सच बोलना, वरना पता है ना, सोच कर बताओ कि लुबना बीबी जब आखिरी दफ़ा आई थी तो कोई ख़ास बात? जी साहब, जी कोई ख़ास बात तो नहीं थी, बस मेरे ऑफ टाइम से पहले मुझे छुट्टी दे दी गई थी। अच्छा, किसने? जी वो मैडम साहिबा ने। मैडम साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। आप पुलिस वाले इतने भी बुरे नहीं होते कि आप सलाम का जवाब ही ना दें। वालेकुम सलाम, लेकिन आप लोग यहाँ? बस आपसे मालूमात लेनी थी, इसलिए आपके पास आया हूँ। पूछे? अगर अंदर चल कर बात कर लें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं नहीं, आए अंदर। मैं आप लोग के यहाँ आने का मकसद नहीं समझी। आपका बयान। अच्छा, पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप? हमारे इल्म में कुछ बातें आई हैं जिसकी आपसे वजाहत चाहते हैं। कैसी बातें? आप खुद डॉक्टर हैं, सब कुछ जानती हैं, इसलिए खुद ही बता देंगी तो फायदे में रहेंगी, वरना मकतूला की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ ना कुछ बता देगी। पोस्टमार्टम? क्या मतलब पोस्टमार्टम? हमें कब्र कुशाई की इजाजत मिल गई है। पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्लिनिक में शराकत से पहले भी क्या आपका डॉक्टर कलीम से मिलना था? जी, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। और इकट्ठे क्लिनिक खोलने का आइडिया किसका था? डॉक्टर कलीम का। एक दिन उनका फोन आया अचानक मेरे पास।
कलीम। हाँ हेलो जायदा, कैसी हो? बहुत ही बेवफा हो तुम, हाउस जॉब के बाद अब मेरी याद आई। चलो मैंने तो तुम्हें याद भी कर लिया, आपको तो इतनी भी जहमत नहीं हुई कि मुझे एक आध मैसेज या फोन ही कर लेते। जाहिर है मैंने सोचा शादी के बाद एंजॉय कर रहे होगे, मैं क्यों डिस्टर्ब करूं? नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं। क्यों, वो जो तुम्हारी खाला जाती उसके साथ निकाह था ना? हाँ लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है, पहले खुद को सेटल तो कर लूं थोड़ा। क्या इरादे हैं? कुछ नहीं, बस अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलने का इरादा है। इतने पैसे हैं? अरे एक छोटा सा क्लिनिक है जिसे गरीब लोग अस्पताल कहते हैं। अच्छी बात है, वैसे भी जॉब में तो कुछ भी नहीं रखा। वैसे तुम क्या कह रही हो आजकल? कुछ नहीं बस सोच रही हूँ, वैसे भी कुछ तो करना है। वैसे तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मेरे लिए ऑफर? कैसी ऑफर? यही कि मेरे साथ आ जाओ, दोनों मिलकर करते हैं काम। वैसे भी मैंने एक अच्छी सी जगह देखी है। कहाँ? वो किमाड़ी में कॉलोनी है, मोहम्मदी कॉलोनी। कच्ची आबादी में? अरे यार हम जैसे डॉक्टरों के लिए वो कच्ची आबादी ही सूट करती है। जगह कैसी है? अच्छी है, एक छोटा सा मकान है, हॉस्पिटल भी बन सकता है और एक छोटा सा क्लिनिक भी। तो क्या इरादे तुम्हारे? भाई कुछ तो करना ही है, चलो तुम्हारे साथ ही काम कर लेती हूँ। तो बस फिर डन है, दोनों पार्टनरशिप में करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्लिनिक अच्छा चलेगा, आबादी काफी है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यार एक मसला है, मेरे घर से वो बहुत दूर है, पिक एंड ड्रॉप की प्रॉब्लम होगी। अरे आप फिकर क्यों करती हैं, आपका ये ड्राइवर है ना आपकी पिक एंड ड्रॉप के लिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? और वो भी बगैर बताए। हाँ सोचा छापा मारूं, देखूं कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद लुबना को मैं ठीक नहीं लगी। वैसे भी औरतों की नाक बहुत तेज होती है, खतरे की बू बहुत जल्दी सूंघ लेती हैं वो। मैडम वो मेडिसिन खत्म हो गई है, थोड़ा वाली के। आप मुझे अब बता रहे, रात को बताते तो अभी तक आ गई होती। मैडम रात से पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं तो इसलिए अंदाजा ही नहीं हुआ मुझे। हद होती है, इतने से काम नहीं होता आपसे, जाएं जाके पेशेंट को भेजें। ठीक है। बैठ जाइए। आपको ये इन्फेक्शन है, कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, ये बाहर आप मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। क्या बात है डॉक्टर साहब, और कितने पेशेंट रह गए हैं आपके? लंच करने का मूड है आज या नहीं? हाँ बस एक दो पेशेंट और रह गए शायद। तुम्हारे पेशेंट खत्म? हाँ मैं तो फ्री। आप चलो तुम बैठो, मैं फारिग होके आता हूँ। चलो मैं वेट कर रही हूँ।
क्या बात है डॉक्टर साहब, आज लंच नहीं करना? बस यार एक दो पेशेंट रह गए, वो देख लूं फिर साथ ही लंच करते। नहीं यार बस अब मुझे बहुत भूख लग रही है, लंच करते हैं पहले। अच्छा वो जो लास्ट वीक पिज्जा खाया था वो ऑर्डर कर दो। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी एक मीडियम चिकन फजीटा, दो सॉफ्ट ड्रिंक भी कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, और सैलेड बार भी। कितनी देर में? ओके थैंक यू। क्या यार गार्लिक ब्रेड तो कहा ही नहीं, लास्ट टाइम याद है क्या टॉपिंग करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? और वो भी बगैर बताए। हाँ सोचा छापा मारूं, देखूं कि आप क्या कर रहे हैं। वो जब से अपना क्लिनिक किया है मसरूफियत भी ज्यादा ही बढ़ गई है। वो तो खैर नजर आ ही रहा है। घबराए नहीं, कानूनन तो आप ही वाइफ हैं डॉक्टर साहब। हूँ लेकिन दूर दूर से, करीब तो सिर्फ आप ही होती हैं। चलें अब आप आ गई हैं तो साथ ही लंच करते हैं। हाँ बिल्कुल, पिज्जा ऑर्डर किया, साथ ही हो ना? बिल्कुल। अरे यार वो फयाज को जो मैंने फाइल कही थी पेशेंट लेके आया फाइल को? हाँ मैं अभी लंच। अरे भाई ये डॉक्टरी वॉक्टरी की बातें बाद में कीजिएगा, अभी फिलहाल बातें ही कर लें। हाँ चलो। और अम्मी कैसी हैं? फर्स्ट क्लास, आप सुनाएं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद लुबना को मैं ठीक नहीं लगी। वैसे भी औरतों की नाक बहुत तेज होती है, खतरे की वो बहुत जल्दी सूंघ लेती हैं वो। खतरा? कैसा खतरा? और मुझसे किसी को कोई खतरा नहीं हो सकता। लेकिन वो तो समझती है ना। अच्छा और तुम क्या समझते हो? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अच्छा बहुत हो गई बातें, अब चलें। हाँ अल्लाह हाफिज। अब सुबह जल्दी आ जाना, कुछ मेडिसिन आनी है। गेट खोल दो। डॉक्टर जायदा ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि उनका क्लिनिक इलाके में बहुत जल्द मशहूर हो गया था। डॉक्टर कलीम रोजाना उसे पिक एंड ड्रॉप करते और क्लिनिक पर भी सारा दिन साथ ही गुजरता था, जिसकी वजह से उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई थी। लुबना कलीम की कज़न और मनकुआ थी, लेकिन अब लुबना का आना कलीम को नागवार गुजरने लगा था, जबकि जायदा और कलीम के दरमियान बेतकल्लुफी बढ़ने लगी थी। यहाँ की बिरयानी बहुत पसंद है मुझे, अच्छी है ना? क्या बात है, जब यहाँ आए थे तो ना खुशगवार मूड था, अब अचानक इतने संजीदा क्यों हो गए? क्योंकि दादा आज मैं तुमसे एक बहुत संजीदा बात करने वाला हूँ। अच्छा तो जनाब संजीदा बात भी करते हैं, फरमाइए। हॉस्पिटल में तो हम पूरा दिन साथ गुजारते हैं, मैं चाहता हूँ कि रात भी हम एक छत के नीचे गुजारें। कुछ ज्यादा ही संजीदा हो रहे हैं बाप। हाँ दरअसल मैं हमारी शादी की बात करना चाह रहा हूँ। शादी? क्या हो गया अचानक? अचानक नहीं, मैं दरअसल काफी पहले से तुमसे ये बात करना चाह रहा था। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि लुबना नामी बीवी है आपकी? फैजा तुम अच्छी तरह जानती हो कि लुबना अम्मी की पसंद है और तुम मेरी पसंद हो, और वैसे भी जिंदगी मुझे गुजारनी है, ये मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। तो ठीक है फिर सब्र करें और बर्दाश्त करें, ये मेरे लिए मुश्किल है। आखिर चाहते क्या है आप? देखो शायदा वक्ती तौर पर दो शादियां भी तो हो सकती हैं, मैं कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ दूंगा। जी नहीं ये मेरे लिए नामुमकिन है। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप, अभी वो हमारे बीच में इतना बोलती है, मैं कभी नहीं होने दूंगी आपकी शादी।
लुबना जो एक लॉन्ग टाइम से डॉक्टर कलीम के रिलेशन में थी, जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि उनका हस्बैंड बजाय इसके कि उनको अटेंशन दे, उसका टाइम स्पेंड करे, वही टाइम और वो अटेंशन किसी दूसरी सेकंड गर्ल को दे रहे हैं और उसके साथ रिलेशन में वो उसकी बनिस्बत ज़्यादा हैप्पी हैं, तो ये नॉर्मली उनको जेलसी और फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेकर चली गई। हेलो, कौन? लुबना। ओ अच्छा, तो आप हैं। खैरियत? इतनी हैरत क्यों हो रही? इसलिए कि आज से पहले कभी आपने फ़ोन जो नहीं किया। खैर फरमाइए, कैसे जहमत किया आपने? इतनी नाराज़गी मत दिखाओ, मैंने तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए कॉल की है। मैं गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि सिर्फ तुम्हारी वजह से कलीम मुझे अपने घर ले जाने से टाल मटोल कर रहा है। अच्छा, अगर तुम्हारी रुखसती हो जाए फिर तो तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ हो जाएगा ना। डॉक्टर जाहिदा ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में बताया कि उसने लुबना को काफ़ी समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। डॉक्टर जाहिदा ने अपनी लव स्टोरी का इतराफ तो कर लिया लेकिन वो लुबना की मौत पर किसी किस्म की रोशनी डालने पर तैयार नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने मकतूला की कब्र कुशाई करवा कर मकतूला की फॉरेंसिक रिपोर्ट हासिल कर ली थी और जब वो रिपोर्ट डॉक्टर जाहिदा के सामने रखी गई तो उसके सामने अपने गुनाहों का इतराफ़ करने के सिवा कुछ नहीं बचा था। एक तो ये पुराने लोग ना कभी भी नहीं सुधरेंगे, तो ठीक है फिर छोड़ दो तुम मुझे। कमाल है, मेरी रुखसती की फिक्र और वो भी डॉक्टर जाहिदा को। तो जनाब कब के इरादे हैं आपके? करता हूँ मम्मी से बात। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब बेहतर है। वैसे तुमने बात की थी उससे? हाँ, बहुत बदगुमानी है उसे मेरी तरफ से। कुछ अंदाजा था। कहती क्या है वो? वो तो मुझे क्लिनिक में भी देखना नहीं चाहती। खैर मम्मी से बात की। मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की मैंने कि अब मुझे क्लिनिक के साथ साथ अपनी जिंदगी में भी तुम्हारी जरूरत है। क्या कहा उन्होंने? वो तो ये बात सुनते ही भड़क उठी, कहने लगी कि मेरी कामयाबी के पीछे लुबना की किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है। ओफो, एक तो ये पुराने लोग ना कभी भी नहीं सुधरेंगे, तो ठीक है फिर छोड़ दो तुम मुझे। नहीं दादा, ये तो अब मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या करोगे कलीम? पहले तुम ये बताओ कि तुम किस हद तक मेरा साथ दे सकती हो। तुम्हारे लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, लेकिन उस लुबना का क्या करें? डॉक्टर हैं हम, मरते को बचाते हैं। अगर फिर भी कोई मर जाए तो गलत इंजेक्शन का इल्जाम हम पर ही आता है। और फिर वो काबिले जुर्म भी नहीं होती। मुलजिमा ने बताया कि वकूआ वाले दिन जब लुबना क्लिनिक पर आई तो डॉक्टर कलीम अपनी प्लानिंग को अलमी जामा पहनाने के लिए तैयार था। वो कुछ मेडिसिन मैंने दी थी, तुमने चेक कर ली? वो मैंने देख भी ली थी और एक दो पेशेंट को मैंने स्ट्रेस भी की है। कोई साइड इफेक्ट? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसमें लुबना का फोन है, अगर आने का बोले तो बुला लूं? आपकी बीबी है, मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। चलो ठीक है, फिर नेक काम में देर कैसी है? जी हेलो। हेलो, कैसे याद किया? इसलिए कि आपने तो याद करना छोड़ ही रखा है, सोचा मैं ही याद दिला दूं। अच्छी बात है। खैर
बोलो फोन क्यों किया? कुछ तबीयत खराब थी, मिलने का दिल चाह रहा था। अच्छा, वैसे तो ये पेशेंट्स को देखने का टाइम है, लेकिन आपको मना भी नहीं कर सकता। हम भी तो मरीज ही हैं आपके। तुम एक काम करो, आ जाओ। कितनी देर में आओगी? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट? हाँ ठीक है, तो मेरे पास जब तक एक दो पेशेंट है मैं उनको देख लेता हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, क्या इरादे हैं फिर? तैयार हैं आप? आप अपना बताएं। इंजेक्शन तो तुम्हारे पास ही हैं। हाँ, वो मेरे पास रखे हैं और मैं उसको भेज के आपको दे दूंगी। फयाज जी। मैडम। क्या कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं मैडम, कोई काम था। नहीं, मैं कह रही हूँ अगर कोई काम नहीं है तो तुम जाओ, छुट्टी करो। तो क्लिनिक बंद करके चला जाऊँगी? नहीं नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं अभी थोड़ी देर रहेंगे यहाँ, तुम चले जाओ। अगर कोई पेशेंट आया तो मैं दे दूंगी दवाई। जी बहुत बेहतर, चलिए, थैंक यू जी। क्या हुआ? होना क्या है डॉक्टर साहब, मैदा खराब हो गया है। आप क्या खा लिया था? खाया तो कुछ जाता ही नहीं डॉक्टर साहब। इस साइड पे दर्द है? बहुत झगड़ा हुआ है सीना, गला भी खराब है, चटकारे लिए होंगे यकीनन। तो क्या डॉक्टर साहब खाना पीना बंद कर दूं? खाएं लेकिन एहतियात से खाएं। अच्छा, 2-3 दिन तक ठंडा पानी, खट्टा चावल, इन सब चीजों से एहतियात करनी है आपको। मैं दवाई लिख के दे देती हूँ। मैं खाती ही कहाँ हूँ डॉक्टर साहब, बस थोड़ा बहुत चख लेती हूँ, वही गले पड़ गया। अच्छा, मैं लिख रही हूँ दवाई, इंशाल्लाह फिर दूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? फर्स्ट क्लास। सर एक बात तो बताओ, तुम ये डॉक्टर ज़ायदा से इतनी बदगुमान क्यों रहती हो? वो आपके इतने करीब रहेंगी तो बदगुमानी तो होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, ये क्लिनिक बंद कर देता हूँ ताकि आप मुतमईन हो सके। इसकी क्या जरूरत है, बस आप हमें अपने घर ले जाएं। डॉक्टर ज़ायदा भी यही कहती है। क्या? यही कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आपने बताया नहीं कि शादी हुए तो अरसा गुजर गया है। अरे उसका यही मकसद है कि रुखसती हो जानी चाहिए। कमाल है, मेरी रुखसती की फिक्र और वो भी डॉक्टर ज़ायदा को। तो जनाब कब के इरादे हैं आपके? करता हूँ मम्मी से बात। जल्दी कर लो ना यार, और कितना सब्र कराओगे। खैर तुम ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ, कह रही थी ठीक नहीं है। आधी तो तुम्हारे पास आकर ही ठीक हो गई। मेरे ख्याल में तुम्हें सुकून की जरूरत है, तुम यहाँ बैठो, मैं इंजेक्शन लेके आता हूँ। ठीक है जनाब। बैठो। कैसी तबीयत है अब बेगम साहिबा? ठीक है, कुछ बेसकूनी सी है, सुकून चाहिए उनको। क्यों, आपके दस्ते शफा में नहीं है क्या? नहीं, फिलहाल तो आपकी नजर करम में है। अच्छा, तीने ऊपर करो। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने यह वारदात 23 दिसंबर 1996 को मोहम्मदी कॉलोनी कैमाड़ी के इलाके में की थी, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिमा ज़ायदा और कंपाउंडर फयाज को हिरासत में ले लिया था, लेकिन मरकजी मुलजिम डॉक्टर कलीम फरार हो गया था। अरे कैसे डॉक्टर हो, इंजेक्शन लगाते हुए हाथ क्यों कपकपा रहे हैं? तुम जब सामने बैठी होती हो तो कुछ समझ ही नहीं आता। कॉटन पकड़ लो। पुलिस ने मुसलसल कोशिश जारी रखी और कत्ल के 6 साल बाद 7 फरवरी 2002 को मुलजिम डॉक्टर कलीम को भी गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने दोनों मुलजमान डॉक्टर कलीम और डॉक्टर जायदा का चालान अदालत में पेश कर दिया है। नाकाबले तर्दीद शवाहिद की रोशनी में मातहत अदालत ने 27 अप्रैल 2006 को मुलजमान को सजाए मौत सुना दी। मुलजमान के वकील ने मुलजमान के आला तालीम याफ्ता होने और जेल में अच्छे चाल चलन की बुनियाद पर सजा में कमी की अपील दायर की थी। तहम सिंध हाई कोर्ट ने अपील को मुस्तरद करते हुए सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा है। अपनी आंखें धो लेते तो अच्छा था, तन्हा बैठ के रो लेते तो अच्छा था। दिल की धरती बंजर और वीरान सी है, बीज वफा के बो लेते तो अच्छा था।